ये सारा वो पैसा है भाई जो आप सबने हमें दिया, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पास एक रुपया बचे, हमारी जेब से लग जाए उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट अपनी अपनी जेब में एक रुपया नहीं रखना। हर महादेव नया दिन शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस, आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं खाने पीने का सामान डोनेट। और ये प्लान मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा था, मैंने काफ़ी टाइम से लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और मेरे पास भाई एक छोटी सी अमाउंट इकट्ठी हो गई है और उस अमाउंट का हम भाई सामान भी लेके आ चुके हैं खाने पीने का, और पैक वैक करके सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, बस कार का वेट है, कार आएगी, कार में सामान रखेंगे और चल देंगे बांटने के लिए। 2:30 बजे अभी और लेट क्यों है, और अभी जस्ट नहाया हूँ मैं, सुबह से मैं लगा पड़ा था भाई सामान लेके आया हूँ और सबको अरेंज करके जैसे मतलब करना था हमें, जो हमने प्लान किया सब उस हिसाब से करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो गाइस ये मेरे चैनल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बाइकों से रिलेटेड, कार से रिलेटेड वीडियो ना बनाकर या ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो ना बनाकर ऐसी हेल्पिंग वीडियो बना रहा हूँ। और अभी क्या हुआ था, हम काम करते करते काफ़ी लेट हो गए, तो एक बंदा जो था हमारे साथ का उसको चलना था साथ में, बट क्या करें भाई नौकरी पहले है, और उस भाई साहब की कॉल भी आ गई थी ऑफिस साइड से कि भाई आ जाओ लेट हो रहे हो काफ़ी और इतना नहीं चलेगा, तो देखो भाई हमने उसको रोका नहीं, उसको जाने दिया। बट मैंने क्या किया, उस भाई को 10-12 डब्बे दे दिए, मैंने कहा भाई ये लो जो आपके नियर बाय आपको दिखे उनको बांट दो। वो बंदा ऑफिस पहुँचता है, मुझे कॉल करता है वहाँ से कि विशाल भाई एक बात बोलनी थी आपसे, मैंने कहा भाई बोल क्या बात है, कह रहा है भाई बहुत धी अच्छा लगा दिल को यार सबको ना बांट के, बट यार मेरे पास कम थे वहाँ और ही बच्चे आ गए थे जिनको मैं बांट नहीं पाया, मैं कोई नहीं तो फोन कर दियो हम थोड़ी देर में वहीं पर आ जाएंगे ना, दो मैं पहले तैयार हो जाऊँ। तो कहीं चलते हैं पहले दुकान पे, दिखाता हूँ आपको सामान जो हमने पैक करके रखा हुआ है। ये अपने फ्रूटी के डब्बे, और कितनी फ्रूटी आती है एक डब्बे में, 50 आई थिंक 50 होंगी है ना, 40 से 50 है। और अपने तीनों समोसे लिए हैं हम, और भाई लड्डू अपना 3 लड्डू थे, अभी लड्डू कम पड़ गए हैं तो लड्डू लेने गया है बंदा भी, और कुछ इस तरीके से पैक हो रहा है, 2 समोसे 1 लड्डू और 1 फ्रूटी हम जो हैं बांटने वाले हैं। तो अभी इतने भाई डब्बे तैयार हो चुके हैं, तो सब कुछ तैयार करने के बाद ही हम जाएंगे। डब्बे रेडी हो चुके हैं और कुछ लड्डू बच गए थे, तो हमने उनको बड़े वाले डब्बे में जिसमें लेके आए थे उसमें रख दिए, और समोसे अपने बचे हुए हैं। तो हम डोंगा ले लेंगे, उसमें बंदों को मतलब ऐसे ही डोंगे के साथ रख के उनको दे देंगे, क्योंकि अब इसको लेना फिर पैक करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम अपने पास उतना है नहीं। अभी बज रहे हैं 3:30, तो आधे घंटे के अंदर हम निकल जाएंगे यहाँ से बांटने के लिए। दोस्तों आए नहीं गाड़ी लेके, अपनी कार लेके जानी पड़ रही है, मेरी कार भी जस्ट आई थोड़ी देर पहले ही। एक्चुअली क्या था, हमें भी मिठाई बांटनी थी, वो अपने कुछ कस्टमर्स हैं हमारे उनको मिठाई बांटी है, उसके बाद ही अभी फ्री होकर गाड़ी आ गई है, तो अपनी गाड़ी ले चलते हैं। और भाई जो नहीं आया शायद बिजी होगा कहीं इसलिए नहीं आ पाया, एक्चुअली क्या एक का तो फ़ोन ही बन जा रहा है, दूसरा भाई आज जो बंदा उसका फ़ोन मिल रहा है बट वो पिक नहीं कर रहा है, मैं भी कहीं बिजी हूँ तो कुछ कर नहीं सकते भाई, देखो टाइम ऐसा चल रहा है दिवाली का, तो बंदा बिजी रहता ही है। चलो चलते हैं अब दुकान पे। रोटी रखा रखा, तो गाइस निकल चुके हैं हम अपना भाई बांटने के लिए, डिक्की में सारा सामान पैक कर लिया हमने, और क्या क्या भाई, फ्रूटी, समोसे और बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू। और सामने पुलिस वाले हैं तो मुझे भाई फोन रखना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है भी नहीं, घर के काटेंगे चलान है रामी। चलो कोई नहीं, पार कर लेते हैं, अच्छे काम करने जा रहे हैं, तो नो गंदी बात जी, सब अच्छी बात जी, दिखाता मैं आपको, पर क्या करूँ मुझे स्विच करना पड़ेगा कैमरा उधर। तो चलो एक बंदा और है आगे भाई, उसको पिक कर लेते हैं, देन उसके बाद बांटना शुरू करते हैं। एरिया हमने सोचा है भाई 10 से 12 किलोमीटर के अंदर में ही सारा हो जाए, क्योंकि हमें पता है बहुत से एरिया मॉल के आसपास भाई बहुत क्राउड रहता है, जो बेचारे मांगते रहते हैं उनका, तो देखेंगे उनको ही दे देंगे भाई सारा एक जगह गाड़ी लगा के, अगर नहीं मिलेगी जगह तो भाई फिर चलते रहेंगे हम 10-12-15 किलोमीटर घूमेंगे गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, टाइम टाइम है सबके पास, बिल्कुल डन। चलो तो गाइस ये रहा सामान भाई जो हम बांटने वाले हैं, तो अभी ना सतीश को एक समोसा चेक करवाया था, क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया खा के कैसा है। लो भाई समोसा चेक करो आप। चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख हम तो बढ़िया है। नहीं नहीं जो हम खाएंगे भाई वही तो बांटेंगे ना, हम गंदा क्यों बांटे, समझ में आए। तो एक ये हो गया, और फ्रूटी तो भाई नॉर्मल है ही, तो फ्रूटी भी चेक कर लो, और आप कटेंगे पैसे 20 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप, ठीक है। तो ये सारा सामान भाई बांटने का, एक बंदा भी और आ रहा है। मनीष भाई कहाँ पर आए थे अभी हम? हम गरीब लग रहे थे वहां पर। चलो कोई नहीं भाई, अब आगे जा रहे हैं दिल्ली साइड में, अब देखते हैं वहां पर यार, क्योंकि मैं तो देखा डेली ना रोड साइड में बहुत बंदे मिल जाते हैं ना, बट आज ऐसा कुछ है नहीं, सब दिवाली मनाने गए हैं।
सब चले गए गांव अपने। शायद ना हम जल्दी आ गए, हमको रात में आना चाहिए था और 7-8 बजे के बाद। अबे रात में कुछ और होता है भाई रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई आगे चल रहे, देख लेते हैं जो मिलता है भाई बांट देते हैं। हैप्पी दिवाली, चलो भाई हैप्पी दिवाली। और भी अंदर कोई भेज दो भेज दो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ हेलो हेलो ले जाओ। हैप्पी दिवाली आपको भी। अरे नहीं हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो। दे देना कितने एक आदमी और है ना, हो गया ना। ठीक है अंकल जी, जाओ जाओ चलो चलो, डब्बा उठाओ, दो डब्बा दो फ्रूटी चाल दे के आओ, जाओ बाबा को दे के आओ। तो भाई ऐसे चल रहा है हमारा कार्यक्रम, जो जो मिल रहा है उसको दिए जा रहे हैं, जो जो मिल रहा है उसको दिए जा रहे हैं। अरे वो एक अंकल बैठे उधर देख, उनको भी दिया, उनको भी जाओ उधर बैठे। अरे नहीं नहीं उनके पास चला जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्टॉक अभी बहुत सारा है हमारे पास, मतलब माल बहुत सारा है पर बंदे नहीं मिल रहे हैं। ये तो सारे बंदे आज रईस हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, दो तीन वहाँ बैठे हैं उनको दे के आते हैं। पर भाई अभी आ गए हम घर से सही तैयार तक, मतलब 7-8 किलोमीटर चल लिए हम। तो भाई मामला हो गया खतरनाक और हम निकल लिए उधर से अपना आगे की तरफ। मतलब ऐसा वाला सीन हो गया, गाड़ी के अंदर कुछ नहीं था यार, से सब कुछ था। गाड़ी के डिग्गी में घुस गए आर पार, मैं कहा ये क्या है, बंद कर डिग्गी बंद कर दो। फिर हमने ना भाई फ्रंट वाला गेट खोला, फिर फ्रंट नहीं थोड़ा बैक वाला गेट खोला, वहां से बाटा, वहां भी हमला कर दिया। बेटा बच, तू बेटा बच गया था, बहुत मारते वो तेरे गुद्दी पकड़ लेते, और दीपक तो बीच में था। मनीष का दिमाग तो देख, चला फ्रूटी लेके जा रहा है। सही कह रहा, एक एक फ्रूटी बांट दे, डब्बा ले लो फ्रूटी ले लो। अबे सबको तो कुछ तो आता किसी के हाथ में, मैं यही कह रहा था भाई। सीन पता है क्या है ना, लोग ना वो नहीं रखते पेशेंस होता है ना भाई, वो नहीं रखते उनके लिए, ये उनके लिए भाई हम लाए। पर ऐसा मत करो ना कि आप हमें ही पेल दो यार, वो लेते लेते आप हमें ही बजा दो, तो वाला सीन चल रहा था। तो भाई हम तो निकल लिए वहां से, थोड़ा बहुत बचा होगा, जो भी बचा हुआ भाई वो आगे जाके बांट देंगे कहीं पर भी, जहाँ भी दिखेगा। पर जो भी था ना वो बहुत रिस्केबल था भाई हमारे लिए, हमें तो भाई लगा गया हम लाए थप्पड़ पड़े कहीं से, दे रहा ना दे रहा है सारे पागल बना रहे हैं। तो भाई थोड़े बहुत डब्बे बचे हैं तो पहले वो बांट लेते हैं, उसके बाद भाई मामला खत्म। जो पैसा बचा है हमारे पास अभी फिलहाल वो करेंगे हम कल यूज, और कल क्या करने वाले हैं हम सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों को पकड़ के भाई जो मिल जाएंगे मतलब मार्केट में उनको कपड़े दिला दें, या फिर हम उनको मतलब शूज, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, शूज दिला देंगे, जैसे भी लगा उसका कल पता चल जाएगा। तो गाइस फाइनली भाई सारे समोसे लड्डू फ्रूटी सब हो गए भाई खत्म, और अब चल रहे हैं हम घर। और दो जगह मतलब जहाँ ज़्यादा क्राउड था वहाँ भाई दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बंदे क्या कर रहे थे ना, घुस जा रहे थे गाड़ी के अंदर, बिल्कुल डिग्गी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। 37 सबसे ज़्यादा भाई पीसा बीच में, अच्छा लगा भाई ना, मतलब सारा माला जितना हमने सामान लिया था सारा भाई हमने दे दिया, और भाई सबको मजे भी आए। अभी थोड़े बहुत समोसे खाया लास्ट में, भाई 4-5 समोसे बच गए थे हमने खा रहे, हमें भूख लग रही थी, हम भी तो गरीब है हम भी तो गरीब है। और अभी ना जहाँ से हमने पानी पिया मतलब ठेला जो पानी का, उनको भी अंकल समोसे दिया, उनको भी खिलाया, वो भी बोल रहे कि हाँ भाई समोसे आपके अच्छे थे। बाकी उनको भाई फ्रूटी और वो नहीं दे पाए हम, क्या बोलते हैं क्या था, लड्डू नहीं दे पाए। और बाकी भाई अभी एक बंदे को हमने समोसे दिए, वो सामने बैठा है, उसने चाय के लिए बोला, उसको भाई चाय भी पिला दी हमने। देखो ये सारा वो पैसा है भाई जो आप सबने हमें दिया, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पास एक रुपया बचे, हमारी जेब से लग जाए उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट अपनी जेब में एक रुपया नहीं रखना। और फिलहाल अभी अपने पास हिसाब तो नहीं है, पता भी पक्का कितना कितना है, बट अभी भी हमारे पास पैसे बच रहे हैं। मुझे लग रहा है मोटा मोटा हमारे पे 7,000 रुपये इकट्ठे हुए थे मोटा मोटा। अब जो भी बचेगा भाई वो हम करें कल, और कल देखते हैं कल क्या करते हैं भाई। दिमाग में तो मेरे ये कि कपड़ा बांटे और जूते आते बांटते बच्चों को ना, लेट्स सी। चलो चलते हैं भाई घर, वीडियो करते हैं फिर ख़त्म। तो आज का हमारा काम इतना ही था, जो हमारा काम था भाई हमने कर दिया, और बाकी अब चलते हैं घर अपना और वीडियो करते हैं पर एंड। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।